अध्याय 5 देख रहे हैं, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार यानी कि कंज्यूमर राइट्स, इसके बारे में बात करेंगे आज। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं जो बाजार की कार्यविधि है, मार्केट की जो कार्यविधि है, उसमें उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं। बाजार में सारी स्थितियां समान नहीं है, असमान स्थितियां हैं, उसके अलग अलग पहलू देखेंगे और किस तरीके से नियम और कानून इनको लागू करने की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है या कहें असंतोषप्रद है। इसलिए जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, जो चीजें खरीदते हैं उनको परिचित कराना इन नियमों और कानूनों से, और साथ में जो उपभोक्ता आंदोलन है यानी कंज्यूमर के लिए जो आंदोलन हुए या लोगों ने किए, इसमें उनका रोल हो, उसके लिए प्रोत्साहित करना या फिर अपने अधिकारों को जानना। क्योंकि नए उपभोक्ता या नए कंज्यूमर जो होते हैं वो सावधान रहे, उनको चीजों के बारे में पता हो, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कुछ खराब चीज हो जाती है तो उसके लिए क्या करना है, यानी कि जानकार नागरिक बनाना है। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हम देखेंगे जो वास्तविक जीवन से प्रेरित है और जहां पर उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर किसी एक्सप्लॉयटेशन का या शोषण का शिकार हुए, और किस तरीके से जो संस्थाएं हैं इस पे जो काम करती हैं, जिन्हें हम वैध संस्थाएं कहते हैं, उन्होंने इन कंज्यूमर्स की, इन लोगों की जो सामान खरीदते हैं उनके अधिकारों की रक्षा की, और अगर उन्हें कोई हानि हुई, कोई क्षति हुई, तो उनकी क्षति को पूर्ति करने के लिए या कहें उनके लिए सहायता की। तो इस ऐसे संगठन कौन से हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे और जो अलग अलग उपभोक्ताओं की अलग अलग तरीके से मदद करते हैं, और फिर हम वो भी बात करेंगे कि भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन है उसके क्या मुद्दे हैं, क्या गंभीर मुद्दे हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये उपभोक्ता अधिकार में कुछ पेपर की कटिंग्स हैं। तो गरीबी को या गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, गलत दवा देने से महिला की मौत हो गई। अब अगर गलत दवा किसी ने दी और महिला की मौत हो जाए तो इस परिवार के लिए क्या होगा, इस परिवार को क्या करना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान, इनके विज्ञापन पर सरकार को नोटिस, यानी ऐसे लोग जो ना क्वालिफाइड है वो इलाज करते हैं, लोगों को अंधविश्वास में ढकेलते हैं। सुरक्षित सुरक्षा की गारंटी क्या है, उपभोक्ताओं में विश्वास, और बिना डॉक्टर के ही शुरू हो गया अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर। और पानी, अगर ये प्रदूषित है जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसी चीज है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें खराबी है तो हम क्या करेंगे। तो यहां पर वो लोग, उन लोगों के बारे में बात की गई है जिनके कुछ अधिकार है, जो लोग क्योंकि बगैर किसी चीज को खरीदे हुए, बगैर किसी चीज को बाय किए हुए, परचेज किए हुए, हम कैसे काम करेंगे। जैसे हमें दूध खरीदना ही पड़ेगा, हम अपने यहाँ तो पैदा नहीं कर सकते, हमें दालें खरीदनी पड़ेंगी, हमें दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी, ये सब चीजें जो हम खरीदेंगे अगर बाई चांस उसमें कुछ कमी निकलती है, कुछ उसमें कमी पेशी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमें हमें नुकसान होता है उससे तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाजार में जो उपभोक्ता है यानी बाजार में एक ऐसा आदमी, आप और मैं, जो चीजें खरीदने जाते हैं, तो हमारा रोल दो तरीके से होता है। हम उत्पादक भी हो सकते हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, चीजें बनाते हैं, और हम ही लोग होते हैं जो उसे खरीदते हैं। तो ये वस्तु हो सकती है, जैसे अगर आप किसी चीज को खरीदने गए, जैसे मैंने अब दूध का एग्जाम्पल लिया, आप कहीं गए दूध खरीद के लाए, तो आप वस्तु खरीद रहे हैं, सेवाएं खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो आप कुछ खरीद नहीं रहे, एक जगह से दूसरे जाने जगह जाने को आप सेवा कहते हैं, ये एक सेवा है, इसमें कोई चीज आपको आप खरीद नहीं रहे। तो वस्तुएं और सेवाएं, जब भी मैं बात करूंगा हम वस्तु और सेवाएं दोनों की बात करेंगे, तो इसके उत्पादक के रूप में यानी अगर इसका उत्पादन कोई कर रहा है, तो आप देखें कि कई लोग कृषि में, उद्योग में और सेवाओं में, इनमें कार्यरत हैं, जो ये काम करते हैं, या तो वो सेवाएं देते हैं या वस्तु वस्तुएं पैदा करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उपभोक्ता की जो भागीदारी है, मेरी आपकी जो भागीदारी है बाजार में, वो तब होती है जब हम, जो लोग इस चीज को पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनसे चीजों की को खरीदते हैं या उनसे सेवाएं लेते हैं। हमने ये देखा कि जब पहले हमने बात की कि अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है देश का, समाज का, तो उसके लिए जरूरी ये हो जाता है
कि कुछ नियम और नियंत्रण हो। बगैर नियम और नियंत्रण के चीजें हाथ से बाहर निकल जाती है। जैसे अगर असंगठित क्षेत्र है, ये भी हमने देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वे मजदूर हैं। अब अगर वो मजदूर क्योंकि गरीब होते हैं, वो साहूकारों से पैसा लेते हैं। अब साहूकार अगर उनका दमन करे, उनका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण करे, तो उसके लिए हमें नियम और कानून या नियंत्रण होने चाहिए। तो असंगठित क्षेत्र में या फिर अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनको बहुत कम पैसे पे काम करना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ती है जो न्याय के उचित नहीं है, जो सही नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है उनके लिए, क्योंकि उनको रोटी चाहिए कमाने के लिए, वो किसी भी तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी कई संस्थाएं हैं, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो बाजार में, मार्केट में आपकी और मेरी, जब हम उपभोक्ता बन के जाते हैं, हम चीजें खरीदते हैं, तो ये सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, ताकि जो नियम और नियंत्रण है, आप कोई चीज खरीदे वो कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इस नियम का अनुपालन हो, इन नियमों को लोग इसका फॉलो करें और इसके हिसाब से काम करें। तो हमारी उपभोक्ता, जैसे अभी हमने देखा कि भाई दवाई गलत दी और इंसान की मौत हो गई, तो बाजार में जो उपभोक्ता है, यानी आप और मैं है, उनकी सुरक्षा के लिए जो नियम और विनियम है, यानी एक तो नियम होता है, कानून होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप गए और कहीं किसी बड़ी दुकान में गए, आपने कुछ खरीदा, कुछ गलत निकल गया, तो आप क्या करेंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे, आप अकेले होंगे, और अकेला आदमी हमेशा अपने आप को कमजोर मानता है। कई लोग स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक आम धारणा है कि एक आप कमजोर, कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का क्या कर सकता हूं, ठीक है चीजें खराब निकल गई कोई बात नहीं, ऐसे करके लोग उसे छोड़ देते हैं। तो जब हम खरीदी गई वस्तु में कोई दिक्कत होती है, या आपने सेवा कुछ ली और आपको जैसे कहीं से कहीं जाना था, कहीं और छोड़ दिया गया, या बीच में आपको ड्राइवर ने परेशान किया, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, तो आपको इसकी शिकायत करनी होगी, आपको इसकी कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। तो जो विक्रेता है, जब अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप थोड़ा सा कमजोर अपने आप को मानते हैं, तो जो विक्रेता होता है, जिसने सामान आपको बेचा है, वो सारा का सारा दारोमदार आप पे डाल देगा। वो करेगा कोशिश, ये करेगा कि नहीं साहब, आप हमने तो सही चीज दी थी, आपने गड़बड़ कर दी। तो इसमें क्या होता है कि एक बार जब विक्रेता बेच देता है, तो ये मानता है कि मैंने जब चीजें बेच दी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं, अब मैंने बेच दी, अब आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन जो उपभोक्ता आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जो कंज्यूमर राइट के लिए जो लोग लड़ रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही है, वो इसी स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है। वही इस स्थिति को बदलने का उपभोक्ता आंदोलन एक प्रयास है। तो बाजार में जब आप जाते हैं, तो शोषण कई रूपों में होता है। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान में गए, मान लीजिए वजन तौलते हुए उसने वजन कम कर दिया, अगर मान लीजिए 1 किलो दे रहा है, वो 900 ग्राम ही दे दे आपको, कम वजन तौल दे, और वो सारे शुल्क जोड़ दे या वो सारे टैक्सेस जोड़ दे जो उसको देने हैं, वो आपको देने पड़ जाए, या कोई चीज है जैसे कोई सामान आपको दे रहा है, दाल में मिलावट कर दे, या दोषपूर्ण यानी कोई चीज उसको पता है कि इसमें खराबी है और वो आपको दे दे, आपको तो नहीं पता उसकी इंट्रिकेसी, जब तक आप घर जाके उसको उपयोग करेंगे और जब तक आपको पता चलेगा अरे इसमें तो मिलावट है, ये तो दोषपूर्ण है, अरे ये तो टैक्स इन्होंने ऐसा लगा दिया, ये तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, अरे ये तो वजन कम है, कौन घर में जाके वजन करता है चीजों का, नहीं करता ना। तो जब तक आपको पता चलेगा तब तक तो आपका नुकसान हो गया ना। जो जिनके पास पूंजी है, जो शक्तिशाली है, और जो समृद्ध कंपनियां हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपने सुनी होगी, जो दमदार कंपनियां हैं, यानी कि उनका बहुत बड़ा तंत्र है, तो हो सकता है कि वो किसी तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं सारी कंपनियां ऐसे कर सकती होंगी, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हो सकता है चालाकी करें, कुछ गलत चीजें अपनाएं, आपको आकर्षित करने के लिए वो मीडिया और जो टीवी है, न्यूज़पेपर है, मीडिया मतलब जो भी आपके ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनको आप, जिससे आपको जानकारी मिलती है, जहां पर एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो इन स्रोतों में वो हो सकता है झूठे दावे कर दे, गलत सूचना दे दे, जैसे एक क्रीम, आप ये क्रीम लगाइए 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, या आपके सर पे बाल नहीं है, इसको लगाइए आपके सर पे बाल उग जाएंगे, ये सारे झूठे दावे होते हैं, गलत सूचना होती है। लेकिन क्योंकि आदमी परेशान होता है, जिसके बाल कम है वो जरूर जाएगा कि भाई मेरे थोड़े बाल आ जाएं, जिसकी शक्ल थोड़ी सी हल्की होगी वो कोशिश करेगा कि नहीं भाई ये तो बाजार में आ गई है,
बहुत अच्छी सी क्रीम, ये बहुत बड़ी कंपनी इसका दावा कर रही है, चलिए इसको ले लिया जाए। तो एक कंपनी अगर ये दावा कर रही है कि ये साहब को देखिए कि मेरे हमारा जो दूध है वो माता के दूध से भी अच्छा है, बेहतर है, यानी कि इस चीज को बताकर पूरे विश्व में, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा मैं, पूरे विश्व में दूध का पाउडर इस तरीके से बेचा जा रहा है, बेचा जाता है कि ये जो दूध है ये मां का जो दूध है उससे भी अच्छा है। लेकिन अगर आप सच्चाई जाने तो मां के दूध से बेहतर किसी भी, चाहे आप गाय को ले लें, चाहे आप भैंस को ले लें, चाहे इंसानी दूध ले लें, उसके उससे अच्छा दूध तो हो ही नहीं सकता बच्चे के लिए। इसीलिए बनाया गया है, इस तरीके से प्रकृति बनाई गई है, लेकिन लोग बेच रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि उपभोक्ता यानी आप और मेरी सुरक्षा, इसके लिए एक नियम हो, कानून हो, और उसको उसका पालन किया जाए और उसको इन्फोर्स किया जाए कि ये आप करेंगे ये आप नहीं करेंगे। तो उपभोक्ता आंदोलन जो हमने अभी चर्चा की कि भाई ये एक प्रयास है जो इन सब चीजों को कर्ब करेगा, इन सब चीजों को रोकेगा, कोशिश करेगा। तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? जब आप और मेरे जैसे उपभोक्ता, उनको असंतोष हुआ, वो कहीं गए, उन्होंने चीजें खरीदी और उनकी खराब निकली, और वो जब वापस गए तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्हें असंतोष हुआ। मान लीजिए एक आप और मैं हैं, हम एक विशेष बहुत एक विशेष ब्रांड का उत्पाद या दुकान से खुश नहीं है या संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हम क्या करेंगे? उस दुकान से सामान खरीदना बंद कर देंगे, है ना? यही तो करेंगे, सामान खरीदना बंद कर देंगे। तो भारत में जो सामाजिक बल है उसके रूप में उपभोक्ता आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई, उसका जो जन्म हुआ, अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखें कि एक आदमी नहीं है जो परेशान हो रहा है, ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता है और बहुत सारे ऐसे उत्पादन करता है जो ये काम कर रहे हैं, उपभोक्ता को किसी न किसी तरीके से चालाकी से गलत सामान बेच रहे हैं या कुछ और तरीके की चीज हो रही है। तो हमारी हितों की रक्षा करने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीके से सामाजिक बल मिला, और इस तरीके से इस उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। एक और चीज हो सकती है, देखिए पुराना, मैं थोड़ा सा 1960 में आपको ले जाता हूं कि उस समय क्या था कि जो बेसिक खाने की चीजें थी उसकी कमी हो गई, लोगों ने क्या किया, चीजों को जमा करना शुरू किया, और जब कमी हो जाती है तो बेचेंगे तो ज्यादा पैसों में बिकेगा, जमाखोरी इसे कहते हैं, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ और जो खाद्य तेल है उसमें मिलावट, पहले तो मिलावट बहुत चला करती थी, आजकल थोड़ा कम हुआ है, तो चीजों में मिला के बेच रहे हैं। जैसे आपकी मिर्ची के पाउडर में जो ईंट होती है, ईंट का जो अगर उसको घिस दे वो मिला के बेचा जा रहा है ना, इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो ये बहुत बढ़ गई उस समय, 1960 की बात बता रहा हूं। तो 1970 के दशक में जो संस्थाएं, क्योंकि बहुत सारी जब चीजें बढ़ जाती हैं, जब लोगों पे इस तरीके से उनके हितों की रक्षा नहीं होती है, तो 1970 के दशक में उपभोक्ता संस्थाएं जो थी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि चाहे वो लेखनी से करें, चाहे वो प्रदर्शनी से करें, चाहे वो प्रदर्शन करें, जिस भी तरीके से उन्होंने कहा या किया वो सामने आए, और उन्होंने देखा कि सड़क यात्री में अत्यधिक, मतलब एक टेम्पो है, एक बस है, उसमें लोगों को बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह भर दिया जा रहा है। राशन की दुकानों पर बहुत ऐसे काम हो रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है या फिर जमाखोरी हो रही है, उन सब पे नजर रखी गई और उसके लिए बकायदा उपभोक्ता दल बनाया गया। आप जैसे मेरे जैसे लोग मिलके एक बकायदा ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ और लोगों ने जाके उस जगह बात की, लेखन किया, लिखा, चाहे वो मीडिया में किया या प्रदर्शन किया। तो ये सब जब हुआ, देखिए 1960 में ये दिक्कतें थी, 1970 में ये सब चीजें शुरू हुई कि हाँ भाई अब बहुत हो गया, अब हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो 1986 में 1986 में ये सब चीज को देखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम कोपरा कहते हैं, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का कानून बनाए इन सब चीजों के कारण। ये कुछ
चित्र है जिसमें आपको दिखाया गया है कि ये कंज्यूमर फोरम है। आप अगर आप उपभोक्ता हैं, आपको कोई शिकायत है कहीं से, आपको कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और ये कंज्यूमर फोरम का काम यह है कि आपकी जो भी समस्या है उनको बड़े संवेदनशीलता से सुने और इस पे काम करें। रेजी का मैं कष्ट बताऊंगा, इसको समझेंगे थोड़ा सा, फिर इससे जानेंगे कि क्या क्या परेशानियां हो सकती है। ये कक्षा 9 में पढ़ने वाले रेजू मैथ्यू की कहानी है। स्वस्थ लड़का है, केरल में एक निजी चिकित्सालय में अपने टॉन्सिल निकलवाने बेचारा गया। टॉन्सिल प्रॉब्लम थी गले की। अब एक ईएनटी सर्जन है, ईएनटी मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट, ये सर्जन होते हैं। उन्होंने क्या किया, उनको बेहोशी की दवा दी और टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन कर दिया। लेकिन जो बेहोशी की दवा दी गई, यानी कि जिस जो हम कहते हैं एनिस्थीसिया दिया गया, उसके कारण इस बेचारे बच्चे के दिमाग में असामान्यता आ गई, यानी कि दिमाग में उसका अफेक्ट पड़ गया, और जिसके कारण ये बेचारा जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया, लाचार हो गया। अब उनके पिता थे, उन्होंने जो चिकित्सा में गलती हुई, एंटी सर्जन ने गड़बड़ की या फिर जो एनिस्थीसिस्ट ने गलती गड़बड़ी की, उसके लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति इसमें 5 लाख का मुआवजे के लिए उन्होंने दावा कर दिया। अब राज्य समिति ने क्या किया, उन्होंने ये मामला खारिज कर दिया, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास सबूत है ही नहीं। रेजी के जो पिता थे उन्होंने हार नहीं मानी, वो दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण समिति वहां गए, वहां पर उन्होंने दोबारा अपील की। उसके बाद जो ये समिति है उन्होंने देखा कि हाँ वाकई में इस बेचारे बच्चे के साथ नुकसान हो गया और इसके साथ जो किया गया वो वाकई में लापरवाही थी, तो जो लापरवाही जिन्होंने की उनको दोषी ठहराया गया और ये हर्जाना इस रेजी मैथ्यू को मिला। लेकिन मैं इसमें एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि ये सब चीजें तो ठीक है, पैसा मिल गया, निवारण समिति थी, लेकिन इस बच्चे का नुकसान तो हो गया। तो जरूरत यह है कि जो भी हमको सेवाएं देता है, जैसे डॉक्टर सेवाएं देते हैं, जो भी हमें कोई उपभोक्ता के तौर पे सामान देता है, वो इस बात का ख्याल रखे कि वो अगर कुछ ऐसी अनैतिक चीज करता है उससे जिंदगी खराब होती है, जिंदगियां खराब होती हैं। तो जब हम एक उपभोक्ता के रूप में जब चीजें लेते हैं या सेवाएं लेते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार है। जो भी हम सामान लेते हैं, जो भी सेवाएं लेते हैं, वो हमारे लिए सही हो, काबिल हो, हमारे लिए कोई त्रुटिपूर्ण ना हो, यानी कि हमारे जीवन और संपत्ति के लिए वो खतरनाक ना हो, जैसे आपने यहाँ पर रेजी का एग्जांपल देखा। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, या कहें कि उपभोक्ता के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो नियम और कानून जाने और उत्पादकों जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हमें सेवाएं और हमें ये चीजें दे रहे हैं, वो भी उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो नियम और कानून का पालन करें। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, एनर्जी कम लगती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा वॉल्व होता है जिसे हम सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। अगर बाई चांस ये छोटा सा वॉल्व खराब हो जाता है, उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, ये वो आपको गलत आप खरीद के ले आते हैं, तो आप देखें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उस घर में अगर वो गैस फट गया तो जो महिला वहां बना रही है किचन में उसकी जान तो गई, साथ में अगर आसपास कोई बच्चा घूम रहा है, कुछ हो रहा है, जैसे यहां पर आपने देखा, इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा, नुकसान तो हो गया ना। तो इस सेफ्टी वॉल्व की एक बहुत हाई क्वालिटी या कहें ऊंची गुणवत्ता सुनिश्चित करना ये किसका काम है, ये उत्पादकों का काम है जो ये सेफ्टी वॉल्व बना रहे हैं। अगर बाजार में लो क्वालिटी या निम्न गुणवत्ता मतलब होता है क्वालिटी, अगर इसके उत्पाद है और इनको या ये कहें कि नियमों का पर्यवेक्षण नहीं हो रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और ये भी पर्यवेक्षण मतलब होता है उसका सुपरविजन ठीक से नहीं हो रहा है, जो इस नियम को पालन करवाने के बाध्य लोग हैं, ऐसे भी सरकारी लोग हैं, वो इसको ठीक से लागू करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चीजें उस तरीके से लागू नहीं की जा रही, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी आज के समय में इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, उपभोक्ता आंदोलन यानी कि जो आज के जो जनरेशन है वो इसके लिए काफ़ी कहें कि सजग है और जानती है कि उनका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो
तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां लिखी होती हैं। कोई भी पैकेट आप लेंगे उसमें बाकायदा एक जानकारी होती है और ये जानकारी ये बताएगा कि अव्यय क्या है, यानी इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज है, इसका पैसा कितना है, मूल्य क्या है, बैच नंबर क्या है जहां ये बनाया गया है, किस समय ये बना है, निर्माण की तारीख होगी और ये कब तक यूज किया जा सकता है, खराब होने की तारीख होगी और जहां पर ये बना है उसका बाकायदा एड्रेस लिखा होगा। तो आज ये जरूरी है कि हर एक आप जो भी पैकेट खरीदेंगे, जो बाकायदा लोग आप खरीदते हैं या फिर जो प्रचलन में है, उनमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप कोई दवा खरीदते हैं जो कि बहुत जरूरी होती है और ये नुकसान बहुत जल्दी कर देती है, तो उसमें बाकायदा जो उसके प्रयोग के निर्देश है कि भाई आपको कैसे इसको उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, अगर कुछ गलती हो जाए तो आपको क्या क्या करना है, तो इस दवा का जो प्रयोग है और इससे, क्योंकि दवा इस केमिकल और आपकी किसी चीज को वो सॉल्व करता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा ले ली या नहीं ले पाए किसी अंतराल में, तो खतरे क्या हो सकते हैं, इनकी संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं और इसमें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई कपड़ा खरीदेंगे तो इसकी धुलाई कैसे करनी है, कॉटन कपड़ा है, वॉशिंग मशीन में धोना है, किस पाउडर से धोना है, इसके निर्देश उसमें होंगे। तो ये जो नियम है, ये नियम इसलिए है या फिर इन सब चीजों पे ये चीज आती इसलिए है क्योंकि जो वस्तु और सेवाएं हम लेते हैं उनके बारे में सूचना पाना ये हमारा अधिकार है। उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं है, इसमें क्या चीजें हो सकती हैं अच्छी बुरी, इसकी सूचना आपको मिलनी चाहिए। तो अगर कोई भी खराबी है, अगर आपने कोई चीज ली और उसमें कोई भी खराबी है, तो आप शिकायत कर सकते हैं, मुआवजा पा सकते हैं, और या फिर आप जो वस्तु है उसको बदलने की, भाई हमारी हम ये चीज ले गए, टीवी ले गए, ये चला नहीं, आप इस टीवी को बदल दीजिए। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा सामान, या खासतौर पर दवाई की मैं बात करूंगा, दवाई की एक डेट होती है, उसके बाद दवाई घातक हो जाती है, तो अगर अंतिम तिथि उसकी खत्म हो गई है यूज करने की, इस्तेमाल करने की, और दवाएं कोई बेच रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई सामान है मान लीजिए 20 रुपए का है और कोई आपको 22 रुपए में बेच रहा है, अधिक मूल्य में बेच रहा है, जिसे हम अधिकतम खुदरा मूल्य कहते हैं, हर एक पैकेट पे जो भी आप लेंगे उस पे अधिकतम खुदरा मूल्य, ये MRP कहते हैं इसको, इसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब ये मार्केट में आएगा, मतलब रिटेल पे आएगा, एक दुकान जहां से आप खरीद रहे हैं वो कितने मैक्सिमम अमाउंट में बेच सकता है आपको, तो मान लीजिए उसमें 20 लिखा है, क्योंकि 20 जो है वो सब कुछ इंक्लूड करने के बाद उस पे बेच सकता है। अगर वो 22 पे बेच रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो आप विरोध कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि साहब ये 20 लिखा हुआ है इसमें MRP, आप 22 में कैसे बेच रहे हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो इसके लिए सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून बनाया, एक कानून लागू किया, जिसे हम RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिसको हम कहते हैं सूचना पाने का अधिकार। सरकार में जो भी चल रहा है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो भी चल रहा है उसकी जानकारी पाना हर एक नागरिक का अधिकार है। तो आप नागरिक, मैं और आप, सरकारी विभाग में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी सूचनाएं आपको मिलेंगी, कोई भी चीज गोपनीय नहीं है, बस डिफेंस वगैरह को छोड़ दीजिए, तो उसकी सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार आपका है। चयन के अधिकार का उल्लंघन, इसको हम आगे लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जब अगली बार हम मिलेंगे तो यहां पर इंतजार की कहानी भी बताऊंगा। तो तब के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।